हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ UPPCL समीक्षा अधिकारी की जो नई पोस्ट निकली है वो आप कैसे भरेंगे और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन दी गई है और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको बताया गया है। तो दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 सितंबर 2020 है और लास्ट डेट इसकी 29 सितंबर 2020 है। जो इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की है वो 29/9/2020 है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही जल्द आपको साइट पर आ जाएगा। जो इसके एग्ज़ाम डेट है वो 10 अक्टूबर 2020 है और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए 1000 है और SC के लिए 700 रुपये रखी गई है और PH फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 रुपये रखी गई है। और जो इसकी पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो हिंदी टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड प्रति मिनट होने चाहिए, मतलब 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करने आने चाहिए। और दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष तक दी गई है और जो एज है वो 8/1/2020 से पहले 21 साल पूरी होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके आगे हम आपको बताते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों, जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है वो जनरल के लिए 3 है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन EWS के लिए 1 है और OBC के लिए 6 रखी गई है और SC के लिए भी 6 रखी गई हैं। इसमें ST के लिए कोई भी सीट नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, हम आपको इसके लिए बारे में पूरी डिटेल बताते हैं कि जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको पोस्ट का विवरण दिया गया है, उसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि आपको इसमें क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए, जैसे डिग्री कौन सी चाहिए या SC का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, वो इसमें आपको सारी डिटेल बताई गई है। अगर आप दोस्तों आप अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, अगर आपने इसकी वैकेंसी भरनी है तो आप यहाँ पर वैकेंसी एंड रिजल्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें ये सबसे पहली पोस्ट ही है जो जहाँ से आप इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप यहाँ आई एग्री पर क्लिक करके इसके बाद आपके पास अगला फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इसे आप पूरा अच्छी तरह फिल करने के बाद इसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको पूरी पोस्ट नेम, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी होगी। उसके बाद आप इसे नीचे क्लिक कर कर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।